الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد मजलिस से खिताब आगा अहमद फाजिल اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين فقال إمام أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يا جابر أيكتفي من انتحلت تشيع درود پڑھیے محمد وعلى محمد عليه السلام شب شہادت حضرت امام پنجم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے آپ مومنین اور تمام پیروان ولایت و امامت کی خدمت میں ہدیہ تعزیت و تسلیت عرض ہے مومنین کرام امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام مکتب تشیع و دین اسلام کے پانچویں امام جو کہ اپنی ذات کے اندر ایک وسعت رکھتے ہیں اپنی ذات کے اندر ایک مکمل اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں امام باقر علیہ السلام کی ذات بابرکت تشیع کی تاریخ میں اور اسلام کی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے آج آپ کے سامنے امام پنجم کی ایک حدیث کا پہلا جملہ پیش کیا جس میں امام علیہ السلام نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جابر رسول اللہ کے صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جو حدیث قصہ کے راوی بھی ہیں چہلوم کے موقع پر کربلا کے پہلے زائر بھی ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری اور ان کو رسول اللہ نے بشارت دی تھی کہ اے جابر تم اتنی طولانی عمر پاؤ گے کہ تم میرے ایک بیٹے کا زمانہ دیکھو گے اس کا نام میرے نام پر ہوگا اس کی صورت بھی میری صورت سے ملتی ہوگی اس کی سیرت بھی میری سیرت سے ملتی ہوگی اس کا کردار بھی میرے کردار جیسا ہوگا تم جب میرے اس بیٹے سے ملو تو اس کو میرا سلام پہنچانا یہی جابر جب امام باقر کے پاس آئے اور امام سے ملاقات ہوئی امام کو سلام پہنچایا پھر امام کے شاگرد بن گئے وہ ہستی جو خود رسول اللہ کی شاگرد ہے جو امام علی کی شاگرد ہے جو امام مشتبہ اور امام حسین کی شاگرد رہی ہے امام سجاد کی شاگرد رہی ہے وہ امام باقر کے شاگرد بھی ہیں یہاں پر آ کر ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آئمہ آل البیت علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان کیا فرق ہے یہ ملکی مسئلہ بھی چل رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا موضوع ہے کہ سب ایک جیسے ہیں آپ اہل بیت کے لیے بھی وہی تمام
अल्फाज इस्तेमाल कीजिए जो बाकी सब के लिए करते हैं। सब काबिल एहतराम ज़रूर हैं, मगर इसके अंदर फ़र्क के वजह फ़र्क को दीन ने रखा है। कुरान ने अत्ता अम्बिया के बारे में भी कहा कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, बाकी लोगों के बारे में मोमिनीन के बारे में भी कहा कि मोमिन एक जैसे नहीं हो सकते, जानने वाले और ना जानने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। इसी तरह कायद और मुजाहिद दोनों मोमिन हैं लेकिन एक जैसे नहीं हो सकते। कायद जो बैठा हुआ जो कुछ नहीं करता और मुजाहिद जो राय खुदा में कोशिश करता है। इसी तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम और आइमा की जो इनफरादियत है, जो मंजिलत है, वो बाकी मुकद्दस मोहतरम साहिब इल्म शख्सियात से बरतर है। और इसकी एक दलील खुद ये तारीखी अमल है जिससे कोई ना किसी सुन्नी को इनकार है ना किसी शिया को इनकार है कि जाबिर जो रसूलुल्लाह के साहबी और शागिर्द हैं, ये इमाम बाकिर के शागिर्द भी रहे, इन्होंने इमाम बाकिर से सीखा। खुद जाबिर का अमल ये बता रहा है कि जाबिर ये बात जानते हैं कि आइमाए अहले बैत और बाकी अफराद में क्या फ़र्क है। ये जाबिर इमाम के पास आए तो इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने जाबिर को एक गुफ्तगू की, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। इमाम फरमाते हैं कि या जाबिर, ए जाबिर, आप क्या ये गुमान करते हैं, आप क्या इस बात को इस तरह से सोचते हैं कि या जाबिर आई यक्तफी मन तहल्लत तशय्यो, ए जाबिर क्या आपका ये ख्याल है कि क्या ये बात काफ़ी है, अयक तफी क्या ये बात काफ़ी है, इतनी बात बहुत हो जाएगी कि कोई शख्स एक काम करे और क्या काम करे, इंतहाल तशय्यो, इंतहाल अलिफ नून ते हे, ये हम हमजा वाली ये जो है ये और लाम, इंतहाल, इंतहाल किसे कहते हैं, क्या ये बात काफ़ी है कि एक शख्स इंतहाल तशय्यो कर ले और उसे काफ़ी हो जाए, यानी शिया होने का इंतहाल करे। अब इंतहाल क्या होता है, इंतहाल लफ्ज़ नहल से निकला है, नहल एक नाल होती है जो घोड़े के पाँव में लगती है, हॉर्स, लेकिन उसी में जो नून आइन लाम है उस आइन की जगह हा लगा दें तो ये नहल बन जाता है या नहल बन जाता है। इमाम कहते हैं कि कोई इंतहाल अगर करे तशय्यों का, इंतहाल नहल से निकला है, नहल कहते हैं ऐसा नज़रिया, ऐसी सोच, ऐसा गुमान, ऐसा अकीदा जिसकी कोई बुनियाद ना हो, मन घड़त अपने पास से बनाया हुआ, जैसे हम आम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कोई हवाई बात जिसकी कोई बुनियाद ना हो। इमाम कहते हैं जाबिर अगर कोई शख्स तशय्यो की नस्बत इंतहाल करे, यानी ये गुमान करे, ये फर्जी गुमान करे, अपने पास से ये बात सोच ले, अपने पास से इस बात को मान ले कि वो शिया है, एक बंदा जो अपने पास से ये बात सोचे कि वो क्या है, शिया है, तो क्या ये बात काफ़ी है उसके लिए, इमाम का एक सवाल है जाबिर से। और इमाम का ये सवाल सिर्फ जाबिर से नहीं, आज हम सब से भी है, हम सब से भी, हम में से हर एक से, या जाफर या बिलाल, ठीक है, सब से। इमाम बाकिर फरमा रहे हैं कि क्या ये बात काफ़ी है, यक्तफी, क्या ये बात काफ़ी है कि एक शख्स इंतहाल में तशय्यो करे, अपने पास से ये सोच ले कि वो शिया है तो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। अपने पास से सोचने से क्या मुराद है, नहल जो है नहल के मुकाबले में अरबी में एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है मिलल। उलमा ने अक्सर किताबें भी लिखी हैं, पुरानी किताबें, इंशाल्लाह खुदा करे कि आप लोग मुस्तफ़ीद हों उनसे, मिलल बन नहल, बहुत सारे उलमा की किताबें इसी नाम से। मिलल कहते हैं उस अकीदे, उस नज़रिए, उस सोच, उस मज़हब को जो दीन की बुनियाद पर कायम हो, जो इस्लाम की बुनियाद पर कायम हो और इस्लाम में अपनी असल और जड़ रखता हो और निकले वहाँ से, इस्लाम में से फूटता हो, इसको कहते हैं मिल्लत। उर्दू में मिल्लत कौम को कहते हैं लेकिन अरबी में दीन को कहते हैं मिल्लत, और जमा है उसकी मिलल, और इसके मुकाबले में जो मन घड़त है वो नखला, जमा उसकी नखल, और अमल उससे हो गया इंतहाल,
ये अल्फाज, क्योंकि अगर हम आइमा अलैहिस्सलाम की असलाहत को थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करें, एक एक दो दो लफ्ज़ करके, हर इमाम के एक दो लफ्ज़ भी हमें आते हों तो शायद हमारे लिए कुछ अच्छाई का बायस होगा। इमाम कहते हैं, जाबिर, क्या एक बंदा इंतहाल तशय्यो करे तो क्या उस बात को ये बात काफ़ी होगी? तशय्यो होने का दावा करे, शिया होने का दावा करे। अब ये दावा तो बहुत सारे करते हैं, हम सब भी करते हैं, हर ज़माने में करते थे। अत्ता इस हदीस से पता चलता है कि खुद इमाम के ज़माने में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो शिया होने का दावा करते थे, लेकिन इमाम कह रहे हैं ये जो दावा है ये इंतहाली दावा है, ऐसा दावा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, मन घड़ल दावा है उनका, यानी इमाम उनको बतौर शिया कबूल नहीं कर रहे। और इमाम को बहुत नागवार गुजरा, इमाम को तकलीफ़ हुई इस बात से, इमाम को दुख हुआ इस बात से कि बहुत सारे लोग जो तशय्यो होने का दावा रखते हैं लेकिन बेबुनियाद दावा रखते हैं, ये क्यों रखते हैं, इनका तो शिया से कोई ताल्लुक नहीं है। इमाम को दुख क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि जब भी कोई शख्स इंतहाल में तशय्यो करेगा, तशय्यो की निस्बत मन घड़त दावा रखेगा कि मैं शिया हूँ, उसकी बुनियाद नहीं होगी, तो उसका ये अमल असल तशय्यो की बदनामी की वजह बनेगा। हकीकी तशय्यो इससे क्या होगा? बदनाम होगा, खुद इमाम बदनाम होंगे, इमामत बदनाम होगी इससे। कब बदनाम होगी? जब ऐसे लोग मुआशरे में मौजूद हों जो तशय्यो का दावा रखें मगर तशय्यो की बुनियाद ना रखते हों। इमाम कह रहे हैं, जाबिर, क्या ऐसा शख्स जो इंतहाल भी तशय्यो रखे, इंतहाल भी तशय्यो करे, ऐसा दावा रखे शिया होने का जिसकी बुनियाद ना हो, क्या ही उसके लिए काफ़ी है? उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि ऐ यकूलो बिहुब्बिना अहलल बैत, कैसा दावा रखे? एक बंदा शिया होने की निस्बत दावा रखे लेकिन बेबुनियाद दावा, और उसने नारा क्या लगाया हो, उसका नारा क्या हो कि मैं अहले बैत से मोहब्बत रखता हूँ इसलिए शिया हूँ, मैं अहले बैत से, इमाम बाकिर की बात है, मेरी बात नहीं है। इमाम फरमाते हैं, अगर एक बंदा ये दावा करे कि मैं अहले बैत से मोहब्बत रखता हूँ और शिया हूँ लेकिन इस दावे की कोई बुनियाद ना हो, तो क्या ये दावा करना, ये नारा लगाना मोहब्बत अहले बैत का, क्या ये नारा लगाना काफ़ी है? सवाल के अंदर इमाम कह रहे हैं कि काफ़ी नहीं है। अय्यकूलू बिहुब्बिना अहलल बैत फवल्लाहि मा शीअतुना, तो ऐ जाबिर अल्लाह की कसम, इमाम बाकिर कसम खा रहे हैं, अल्लाह की कसम वो शख्स शिया नहीं है, अल्लाह की कसम वो शिया नहीं है। शिया कौन है? जहाँ इमाम ने फिर कसम खाई, कहा फवल्लाहि शीअतुना, और शिया कौन है? इल्ला मन तकल्ला, हमारा शिया वो है जो अल्लाह का तकवा रखता हो, जो तकवा इलाही रखता हो वो शिया है, वो शिया नहीं है। इमाम बाकिर फरमा रहे हैं जो नारा लगाए कि मैं मोहब्बत अहले बैत रखता हूँ और सिर्फ उसका ये नारा ही नारा हो और उसकी कोई बुनियाद ना हो, तो ऐसा बंदा शिया नहीं है। जो सिर्फ ये कहे कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत रखता हूँ और कहे, सिर्फ ज़ुबानी लकलका हो, तो इमाम फरमाते हैं कि ये बंदा शिया नहीं है। बल्कि शिया कौन है? अब इमाम बाकिर का मेयार भी देखें। आज हम इमाम बाकिर को तो कह रहे हैं कि या मौला हम आपके शिया, हम आपके आज़ादार, लेकिन अब यहाँ पर इमाम कह रहे हैं पहले ये देख लो कि मेरा शिया होता कौन है, जो तकवा इलाही रखे। उसके बाद इल्ला मन तकल्ला व अताहू, और अल्लाह की इताअत करता हो। शिया की पहली अलामत यह है कि उसका अल्लाह से ताल्लुक हो, मुशरिक ना हो। इमाम बाकिर फरमा रहे हैं मुशरिक ना हो जो ज़ुबान से दावा मोहब्बत अहले बैत करे लेकिन अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक ना हो, और अल्लाह से भी तकवा का ताल्लुक ना हो, इताअत का ताल्लुक ना हो, फरमा बरदारी का, तो इमाम फरमाते हैं कि वो शिया नहीं हो सकता। शिया कौन होगा? जो अल्लाह की इताअत करता हो और तकवा इलाही रखता हो।
अब तकवा की तशरीह क्या है, इसके लिए आप उस्ताद मोहतरम के जुम्मे के खुतबात सुना करें। जुम्मे के खुतबात का पहला हिस्सा, 200 खुतबात तो तकरीबन हो चुके हैं पिछले सालों में, वो तकवा पर ही मुश्तमिल है। तकवा की तशरीह शायद इतनी आसान नहीं है, इसलिए इसको सिर्फ एक जुमला, तकवा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा लाइफस्टाइल का नाम है। इलाही लाइफस्टाइल को तकवा कहते हैं, यानी इमाम फरमाते हैं जाबिर हमारा शिया वो है जो इलाही लाइफस्टाइल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी करे। उसके बाद इमाम आगे फरमाते हैं माकानू जो रफूना या जाबिर, जाबिर तुम हमारे शिया को नहीं पहचान सकते, मगर पहले क्या कहा इमाम ने, क्या जाबिर क्या ये बात काफ़ी है कि एक बंदा मोहब्बत अहले बैत का दावा करे। मैं बार बार तकरार इसलिए कर रहा हूँ कि हमें याद हो जाए इमाम की बात उर्दू में कम अज़ कम। ऐ जाबिर क्या ये बात काफ़ी है कि एक बंदा मोहब्बत अहले बैत का दावा करते हुए ये कहे कि क्योंकि मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं शिया हूँ और इस दावे की कोई बुनियाद ना हो, क्या ये काफ़ी है? काफ़ी नहीं है। और अल्लाह की कसम हमारा शिया वो है जो तकवा इलाही इख्तियार करे और अल्लाह का फरमा बरदार हो। फिर इमाम फरमाते हैं ऐ जाबिर हमारे शिया को नहीं पहचाना जा सकता मगर, मगर किस चीज़ के साथ, इल्ला बितवाज़ुए व तखशो, या दो पहली निशानी ये शिया की कि वो तौहीद के बाद अल्लाह से ताल्लुक के बाद कि शिया मुतवाज़े होगा, मुनकसर होगा, यानी मगरूर नहीं होगा, उसकी गर्दन में सरिया नहीं होगा। शिया नहीं पहचाना जा सकता, इमाम के अल्फाज, इमाम की तरतीब देखें, मगर तवाज़ो से, यानी जिसमें भी तवाज़ो के बजाय तकब्बुर होगा, जिसके अंदर भी तकब्बुर होगा, गुरूर होगा, वो शिया। इमाम कहते हैं कि ना ये अभी शियत के या अभी मोहब्बत के दर्जे में हो सकता है मगर अभी शियत के ओहदे पर फाइज होना इसका बाकी है। उसके बाद बितवाज़ुए व तखशो, दूसरी खसूसियत क्या होगी, तखशो होगा, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के सामने नरम होगा, खुदा के हुक्म के सामने अकड़ा हुआ नहीं होगा। खुदा का आसान इसके जो तर्जमा है कि खुदा का खौफ उसके दिल में मौजूद होगा। कौन, शिया, इमाम बाकर की नज़र में, इमाम बाकर का मयार है, होता है ना मोमेंट, हम किसी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारा टेस्ट होता है, या हम किसी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ क्या होता है, टेस्ट होता है। अगर हम उनके मेरिट पे पूरे उतरें तो फिर जाकर हमारी जॉब होती है या एडमिशन होता है, अगर मेरिट पे पूरे ना उतरें तो नहीं होता। अब वो पाकिस्तान है जहाँ पर हम पैसे देकर भी ये काम अपना करा लेते हैं, लेकिन इमाम बाकर रिश्वत नहीं लेते। इमाम बाकर को आप पैसे देकर ये नहीं कह सकते इमाम आप हमें अपना शिया डिक्लेयर कर दें, टेस्ट में तो पास नहीं हुए। इमाम कह रहे हैं ये मयार है, इस मयार पे ये मेरिट है इमाम बाकर का जिस पर पूरा उतरना ज़रूरी है। बितवाज़ुए व तखशो वल अमानत व कसरत ज़िक्रिल्लाह, फिर तीसरी बार ये अमानतदार होगा, ये अमानतदार होगा, शिया हमेशा अमानतदार होता है। इमाम की एक और हदीस है इसी पैराए में, इमाम फरमाते हैं कि किसी भी इलाके के 100 घरों में से, रिवायत में घरों की तादाद में फ़र्क है थोड़ा, कुछ में 70 है, 100 है, कुछ ज़्यादा भी है, लेकिन अभी मैंने जो खुद पढ़ी वो 100 थी इसलिए नकल कर रहा हूँ। इमाम फरमाते हैं किसी भी इलाके के 100 घरों में से जब तक हमारे मानने वाले किसी ऐसे बंदे का घर जो हम ये दावा करता हो कि हमारा मानने वाला है, अगर किस 100 घरों में से सबसे ज़्यादा बातकवा वो ना हो, 100 घरों की आबादी उसमें सबसे ज़्यादा बातकवा जब तक कोई बंदा ना हो जो कहता हो मैं शिया हूँ, तो इमाम फरमाते हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। पहले अपने आप को इमाम बाकर के मेरिट पर पूरा उतारो कि कम अज़ कम ये हो, हम इसे और कम कर लेते हैं थोड़ा आसानी के लिए, कि अपने घर में, अपने दोस्तों में, अपने अहिब्बा में
हम बाकियों के निस्बत ज़्यादा अहले बैत से करीब हों, ज़्यादा तकवा रखते हों। इमाम फरमाते हैं कि जिसके अंदर क्या हो, तवाज़ो हो, तखशो हो। और ये आने वाले दिनों में किसी दिन पूछा भी जा सकता है कि इमाम ने क्या कहा था, इसलिए थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा, याद कीजिएगा। तवाज़ो हो, तखशो हो, अमानत हो, अमानतदार हो। इमाम फरमाते हैं हमारा शिया नहीं पहचाना जा सकता मगर अमानत से। जब भी किसी ने कोई अमानत देनी हो तो फौरन पहचान ले कि मोहम्मद बाकिर का शिया ये है, इसके पास अमानत रखवाई जा सकती है। उसके बाद इमाम आगे फरमाते हैं, इमाम कहते हैं उसके बाद अगली चीज़ क्या है, वह कसरत ज़िक्रिल्ला, और अल्लाह का जिक्र कसरत से करता होगा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करता होगा, ये शिया की निशानी है। आजकल कोई ऐसा करे तो हम उसको वहाब भी कहते हैं, लेकिन इमाम बाकर के मेरिट पर ये शिया की निशानी है कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करता होगा। उसके बाद इमाम फरमाते हैं वसौम व सलात, फिर रोज़ा पहचान है शिया की, फिर उसके बाद नमाज पहचान है शिया की। अब जिनकी नज़र में तशय्यो सिर्फ मातमदारी है, तशय्यो सिर्फ अज़ादारी है, तशय्यो सिर्फ गिरिया है, तो इमाम बाकर के तशय्यो तो नहीं हो सकते। खुद इमाम कह रहे हैं ये ना, मैं सिर्फ अरबी पढ़ रहा हूँ, उर्दू तर्जमा कर रहा हूँ यहाँ, ये इमाम बाकिर की शिया तो नहीं हो सकते, क्योंकि इमाम कह रहे हैं नहीं पहचाना जा सकता मेरा शिया मगर तवाज़ो से, तखशो से, अमानत से, कसरत ज़िक्र खुदा से, रोज़े से, नमाज से। उसके बाद इमाम आगे फरमाते हैं व अहलिल मस्कनत वल गारिमी माजरत वल बिर बिल वालिदैन, और अपने वालिदैन से नेक बर्ताव करने से पहचाना जाएगा शिया। शिया कभी माँ बाप का नाफरमान नहीं हो सकता, ये शर्त है इमाम बाकिर की कि शिया होने के लिए आपको बिर बिल वालिदैन वाजिब है, एक शिया होने के लिए, क्योंकि इमाम कहते हैं इसके बगैर पहचाना ही नहीं जाएगा। यानी अगर कोई शख्स वालिदैन का नाफरमान है और उसका दावा है तशय्यो है तो इमाम बाकिर के मेरिट पर वो फेल हो गया। इमाम फरमाते हैं हमारा शिया नहीं पहचाना जाएगा मगर तवाज़ो से, तखशो से, अमानत से, कसरत ज़िक्र खुदा से, रोज़े से, नमाज से, और वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करने से, उनकी फरमा बरदारी करने से। उसके बाद इमाम आगे फरमाते हैं व तआहुदे लिल जीराने मिनल फुकराए व अहलिल मस्कनते वल गारिनीना वल अयतामे व सिद्किल हदीसे व तिलावतिल कुरान। बहुत मुश्किल काम है, शायद ये हदीस सुनने के बाद आपको भी ये लगे कि शिया होना सबसे मुश्किल काम है, और वाकईतन मुश्किल इस वक्त इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है, हर बंदा सब कुछ बन सकता है, शिया बनना आइम्मा के मयार पर सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जो मुश्किल में से गुजर जाए, पास हो जाए, वही जाकर कामयाब हो सकता है। इमाम फरमाते हैं कि हमारा शिया कौन होगा, ए जाबिर। उसके बाद अगली निशानी क्या है, और वो जो अपने हमसायों से, फ़कीरों से, मिस्कीनों से, मकरूज़ों से, यतीमों से उसने सलूक करे, जो अपने हमसायों के साथ लड़ता हो वो शिया नहीं हो सकता। जो अपने हमसायों से लाताल्लुक हो कि वो क्या कर रहे हैं, आया उनके घर में कुछ है या नहीं है, बाकी अपने हमसायगी के हुकूक अदा ना करता, इमाम कह रहे हैं इससे शिया नहीं माना जा सकता। उसके बाद मिस्कीनों और फ़कीरों से उसने सलूक करता हो, मकरूज़ों की नस्बत उसने सलूक करता हो, अगर किसी का कर्ज दे सकता है या अगर किसी से कर्ज लेना है तो वो उसने सलूक का दामन कभी भी ना छोड़े। ऐसा नहीं है कि वो भी बाकियों की नस्बत जाकर अपनी ज़ुबान को ख़राब करे। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि इसके बाद अगली चीज़ ये कि उसके कॉल में सदाकत होनी चाहिए, बात में सदाकत होनी चाहिए, वो सदाकत उसके हक में हो, उसकी मुखालफत में हो, किसी भी सूरत में हो। उसके बाद वह तिलावत कुरान, और कुरान की तिलावत करता हो, ये शिया होता है। अब यहाँ एक छोटा सा वाक़या नकल करता हूँ, इत्तफाक़ से गवाह मौजूद हैं इसलिए उस वाक़े पे इसी महफ़िल मजलिस में,
एक जगह हम गए, जाने के बाद वहाँ किसी मरहूम के इसाले सवाब था शायद, कोई ऐसी किसी मरहूम के लिए एक महफिल थी, वहाँ कुरान की तिलावत के लिए कुरान रखे हुए। और वाक़ेतन उस दिन मुझे ज़ाती तौर पर बहुत दुख हुआ इस बात का। और वहाँ पर वो लोग बैठे हैं जिनका दावा था कि हम शिया हैं, क्योंकि मरने वाला भी शिया था, उनका दावा था कि हम शिया हैं, और उन्होंने अहले सुन्नत मदरसे के कारी और बच्चों को बुलाया हुआ था कुरान पढ़ने के लिए, और वो खुद सारे बैठे हुए बातें कर रहे, पंखे की हवा ले रहे, और वो अहले सुन्नत मदरसे के बच्चे हुफाज और उनके असातिज़ा कुरान पढ़ रहे। ये मंजर देखा है और इसके गवाह मौजूद हैं। और वो वाक़ई कितना तकलीफ दे मंजर है कि एक शिया का इसाले सवाब है, एक शिया की मजलिस है, और पढ़ना क्या है, कुरान पढ़ना है, और इसके लिए आप मोहताज हो, आपसे कुरान नहीं पढ़ा जा सकता। अब इससे वाक़ई वो जो लम्हा था शायद मेरे लिए, ये अहले बैत की गुरबत है, ये अहले बैत की गुरबत, ये अहले बैत के मुसाइब हैं, कि अहले बैत के नाम लेवा ऐसे हैं। जबकि इमाम का फरमान क्या है, इमाम का मैार क्या है, पहचानोगे शिया को। अब उस मैार पे वहाँ जितने थे उनको हम क्या कहेंगे, वहाँ क्या कहेंगे, इमाम कहते हैं शिया की पहचान है बितिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत से। मगर यहाँ पर हाल ये है कि कुरान खोला ही नहीं जाता, कहीं पढ़ा भी जा रहा हो, कोई पढ़ भी रहा हो तो वो दूसरों को बुला कर। उसके बाद इमाम आगे फरमाते हैं बितिलावतिल कुरान वकफ़ल अलसुन अनिन्नास इल्ला मिन खैर। ये एक और सख्त मंजिल है इमाम के, इमाम का मैार की। कहा कि एक और काम वो ये करेगा कि लोगों के बारे में, लोगों से जब भी बात करेगा, कफ़ल अलसुन, अपनी ज़ुबान को बंद रखेगा, कफ रखेगा, नहीं खोलेगा अपनी ज़ुबान लोगों के साथ बात करने के लिए, मगर इल्लल खैर, सिवाय अच्छी बात करने, सिवाय खैर की बात करने के कभी अपनी ज़ुबान को नहीं खोलेगा लोगों के बारे में। खैर क्या होता है, खैर एक तो हमारे यहाँ ना उर्दू में हर अच्छी बात, इसीलिए हमारे पास जो मैसेज आता है व्हाट्सएप आता है हम दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं, ये खैर नहीं होता अरबी में। अरबी में खैर उसे कहते हैं तीन तरह की चीज़ें, खैर शर और वबाल, तीन चीज़ें। खैर उस हर उस काम और हर उस चीज़ को कहते हैं जो मुझे खुदा से करीब करने में, मेरे मकसद तख्लीक को हासिल करने में, मेरे इर्तका में मददगार हो, वो खैर है। वो कोई शय भी हो सकती है, वो कोई बात भी हो सकती है, वो कोई अमल भी हो सकता है। शर हर वो चीज़ है जो मुझे मकसद तख्लीक से दूर करे और जो मुझे खुदा से दूर करे। और वबाल हर वो चीज़ है जो ना खुदा से करीब करे ना खुदा से दूर करे, बोझ बन के पड़ी रहे। जैसा अक्सर हमारे घरों का सामान हमारे लिए वबाल बना होता है, खुसूसन जो ख़वातीन की चॉइस से चुना जाता है, वो हर दूसरी चीज़ ख़रीदनी है हमें और वो आखिरकार एक वबाल जान ही बना होता है। इमाम फरमाते हैं कि लोगों के लिए ज़ुबान नहीं खोलेगा मगर खैर से, खैर की बात करेगा। वकानु उमनाओ अशायरहिम फिल अशियाए। उसके बाद अगला इमाम फरमाते हैं कि हमारी शिया नहीं पहचाना जाएगा मगर किस बात से, कि लोगों की चीज़ों का अमानतदार होगा। मुख्तलिफ गिरोह, कबाइल, हिस्में, बरादरियाँ जब वो अपनी अमानतें रखना चाहेंगी तो किसके पास रखेंगी, शिया के पास, शिया अमानतदार होगा। ये पहचान है इमाम की नज़र में। जब इमाम ने ये कहा तो वो जो अभी इस वक्त दोबारा ये हदीस पढ़कर के दिन को भी पढ़ी थी, जो हालत मेरी हो रही है और इंशाल्लाह आपकी भी हो रही होगी, वही जाबिर की होने लगी। जब ये इतनी सख्ती देखी, इतना सख्त मेरिट देखा, तो जाबिर की हालत भी गैर होने लगी। जाबिर ने उसके बाद एक जुमला कहा, जाबिर कहते हैं कि जबना रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के फर्जन,
मा नारिफुल यौमा अहदु बिहाज़िहि सफ़वते। जाबिर कहते हैं कि फरजंदे रसूल, मैंने आज तक तो ऐसा एक बंदा भी नहीं देखा, मैंने तो आज तक ऐसा एक भी शिया नहीं देखा। ये जो आप बयान कर रहे हैं कि मखलूक कहाँ होती है, ये मखलूक यहाँ पर तो मैंने तो आज तक नहीं देखी। मैं रसूलुल्लाह के ज़माने से इतना अरसा गुजार ली, यानी इतनी तवील उम्र इंसान, ताकि मैंने तो आवाम में आइमा अहले बैत और बाकी उनकी बात अलग लिया, तब मैंने तो आवाम में एक भी ऐसा बंदा आज तक नहीं देखा। ला नारिफ़ो, मुझे तो तारुफ़ नहीं है इनसे किसी मखलूक का। तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना, इकबाल का एक शेर है, तर्जमा उसको सुना देता हूँ, कि एक बंदा एक बुज़ुर्ग, ये मुल्ला रूमी का शेर है, इकबाल के उस्ताद का असर इकबाल ने नकल किया, कहा कि एक बंदा दिन के वक़्त दिन की रोशनी में चराग लिया उसने, आप समझ लें टॉर्च जलाई, आज की ज़ुबान में टॉर्च जलाकर दिन की रोशनी में कोई ढूंढ रहा है, आपको कोई ऐसा मिलेगा तो क्या करेंगे, उसे रोक कर कहेंगे भाई ऐसे बंद कर ले, क्या हो गया पागल हो गए हो आप, दिन की रोशनी में टॉर्च लेकर तलाश कर रहे हैं कुछ, तो उसको कोई मिला उसने भी ऐसे कहा कि मोहतरम ये आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की तलाश है आपको जो दिन की रोशनी में नहीं मिल रही, आप ये चराग रोशन करके टॉर्च जला के ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने पलट कर कहा उस शख्स ने कि मैं ये इतने इस शहर में ये सारे जो घूम रहे हैं इनके दरमियान में इंसान तलाश कर रहा, ये जो इतने सारे घूम रहे हैं ये चलते फिरते इंसान नुमा इंसानों की शक्लों वाले, इस मखलूक में मैं कोई हकीकी इंसान तलाश कर रहा हूँ दिन की रोशनी में, यानी वो सूरज की रोशनी में नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा शायद चराग भी जला लूँ कहीं किसी कोने से मिल जाए मुमकिन है। तो वो जिसने पूछा था उसने पलट कर कहा कि मोहतरम आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं मगर हमने भी बहुत ढूंढा, हमें तो आज तक मिला नहीं, हमने भी बहुत ढूंढा, हमें आज तक ये मखलूक नहीं मिली, अगर आपको मिल जाए तो हमें भी बता दीजिएगा। यही बात जाबिर की भी यही कैफियत थी जो इस वक्त इस वाक्य में उस बंदे की थी और आज हमारी है, कि आज तक या मोहम्मद बाकर हमने तो आज तक ऐसी मखलूक नहीं देखी, दिन दहाड़े टॉर्च छोड़े हैवी लाइट्स लेकर भी ढूंढे तो हमें तो ऐसी मखलूक तो हमें कम से कम ऐसा शिया तो कहीं नहीं मिलने वाला, नहीं नज़र आया आज तक। जाबिर ने भी यही सवाल किया कि फरजंदे रसूल, मैंने आज तक तो ऐसा कोई बंदा इन सिफात वाला तो मैंने नहीं देखा जिसमें सब कुछ एक साथ मौजूद हो। तो इमाम ने वहाँ अब जो एक अलग अंदाज अपनाया, इमाम फरमाते हैं या जाबिर ला तज़हबन्ना बिकल मज़ाहिर हस्बुर रजुल, जाबिर तुम्हें तरह तरह के लोगों के रास्ते कंफ्यूज ना कर दें, ला तज़हबन्ना तुम्हें तुम्हारे रास्ते से ना हटा दें, कि ये भी कह रहे हैं कि मैं शिया हूँ, वो भी कह रहे हैं मैं शिया हूँ, वो भी कह रहे हैं मैं शिया हूँ, ये जो मज़ाहिब मुतफर्रका है, मज़हब कहते हैं रास्ते को, ये जो अलग अलग रास्तों पे जाने वाले हैं ये तुम्हें तुम्हारे रास्ते से ना हटा दें, कन्फ्यूज़ ना कर दें, तुम सही कह रहे हो तुम्हें नहीं मिला, तो वो जो तुमने देखे हैं कहीं उनकी वजह से तुम तशय्यों की नस्बत कन्फ्यूज़ ना हो जाना, कि ये भी शिया वो भी शिया वो भी शिया वो भी शिया, जो कहते भी हैं कुछ तो मोहतरम है ना, जिन्होंने मीडिया पे आके वीडियोज़ बना के पाया गया, हमने सबको मिला के रखा हुआ था, उनके लिए इमाम बाकर कह रहे हैं कि लता जहाबन्ना गुमराह ना हो जाओ इस बात से कि ये सारे इस सारे मज़ाहिब की नस्बत तुम अपने रास्ते से मत भटक जाना कहीं, क्यों ना भटक जाना। इमाम फरमाते हैं कि हस्ब रजुल अन यकून अहिब्बो अलियन व अतवल्ला, क्या एक बंदे के लिए ये बात काफ़ी है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि एक बंदे के लिए ये बात काफ़ी है कि वो ये बात कहे कि अहब्बो अलियन कि मैं अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता हूँ व अतवल्ला और उनकी विलायत रखता हूँ, क्या ये काफ़ी है किसी बंदे के लिए। इमाम पूछ रहे हैं क्या ये काफ़ी है कि कोई कहे कि मैं दिल में मोहब्बत अली रखता हूँ और अली की विलायत रखता हूँ तवल्ला रखता हूँ, और इसके जवाब भी इमाम ने खुद दिया। इमाम फरमाते हैं
वातवल्लव सुम्मा ला यकूनु मा ज़ालिका फ़िलन। ए जाबिर, अब यहाँ तुम एक बात देखो, एक काम देखो कि वो ये दावा तो करे कि वो अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है कि एक बंदा ये दावा करे कि वो रसूलल्लाह से मोहब्बत रखता है। अहब्बो अहब्बो रसूलल्लाह फल रसूलल्लाह खैरुम मिन अलीयन। एक बंदा ये दावा करे कि मैं अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता हूँ और तवल्ला रखता हूँ, तो ये ऐसे ही है कि एक बंदा दावा करे कि मैं रसूलल्लाह से मोहब्बत रखता हूँ और रसूलल्लाह अली अलैहिस्सलाम से अफजल है। सुम्मा ला यकूनु मा ज़ालिका फ़ला, लेकिन उसका अमल उसके दावे के मुताबिक ना हो। दावा रखता हो कोई शख्स के मैं मोहब्बत रसूल रखता हूँ, लेकिन उसका अमल उसके दावे के मुताबिक ना हो। वो ऐसे ही है जैसे कोई शख्स ये दावा रखता है कि मैं अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन उसका अमल उसके दावे के मुताबिक नहीं है। तो इमाम यहाँ फरमाते हैं सुम्मा ला यत्तबिउ सीरतहु, और रसूलल्लाह की सीरत पर ना चलता हो। दावा मोहब्बत रसूल है, दावा मोहब्बत अली है, लेकिन सीरत रसूलल्लाह व सीरत अमीरुल मोमिनीन पर नहीं चलता। वला यअमलु बिसुन्नतिही, और रसूलल्लाह की सुन्नत पर अमल नहीं करता। एक बंदा दावा रखता है मगर न सुन्नत रसूल पर चल रहा है, न सुन्नत अली पर चल रहा है, न सीरत रसूल से उसे कोई ताल्लुक है, न सीरत अमीरुल मोमिनीन से कोई ताल्लुक है। मा नफ़ाहु हुब्बुहु इय्याहु शैआ। ए जाबिर, अगर कोई ऐसा बंदा हो जो ये दावा रखता हो कि मैं मोहब्बत अली रखता हूँ, लेकिन वो अमल ना करता हो, कोई दावा रखता हो कि मैं मोहब्बत रसूल रखता हूँ लेकिन ताबे सीरत रसूलल्लाह ना हो, तो उसको ये मोहब्बत ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। ये इमाम कह रहे हैं कि वो मोहब्बत अली आपको एक ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं दे सकती जिस मोहब्बत अली में अली की पैरवी शामिल ना हो, जिस मोहब्बत रसूल में रसूल की सीरत व सुन्नत पर ना चला जाए। इमाम बाकर कहते हैं ऐसी मोहब्बत हमारी नज़र में फ्रॉड है, ये मोहब्बत अली नहीं, ये मोहब्बत अली का फ्रॉड है। इमाम बाकर की नज़र में ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। मा नफ़ाउ हुब्बुहु इय्याहु शैया फत्तकुल्ला व अमलु लिमा इंदल्लाहि लैसा बैनल्लाहि व बैना अहदिन कराबतन अहब्बर, अमल सहले अंजाम दो, क्योंकि अल्लाह का किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। इमाम कह रहे हैं अल्लाह की किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि अल्लाह के और बंदे के दरमियान तकर्रुब का, अल्लाह के करीब होने का एक ही जरिया है सिर्फ मोहब्बत अली के दावे नहीं बल्कि तकवा और अमल। जब इस मोहब्बत के मुताबिक हो, जब मोहब्बत अली के मुताबिक अमल हो, मोहब्बत अली के साए में तकवा हो, तो तुम खुदा के करीब हो सकते हो। अगर नहीं है तो ये मोहब्बत अकेली तुम्हें कहीं भी नहीं पहुंचाएगी। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि लैसा बैनल्लाहि व बैना अहदिन कराबतन अहब्बुल इबादे इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल व अकरमुहुम अलैहि अत्तकाहुम व आमलहुम बिताअतिही। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब होने का, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम होने का, अल्लाह के नज़दीक वैल्यूएबल होने का, अल्लाह के नज़दीक बाफजीलत होने का एक ही तरीका है जाबिर, जो जितना ज़्यादा अत्तकाहुम बातकवा होता जाएगा उतना मुकर्रम होता जाएगा। शायद कल या परसों ही अभी आयत भी है जो नमाज में नकल की थी, इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम। इमाम उसी बात को कर रहे हैं कि जो जितना बातकवा होता जाएगा उतना खुदा के नज़दीक मुकर्रब और मुकर्रम होता जाएगा, और जो अपने
अमल के ज़रिए अल्लाह की फरमा बरदारी करेगा, अमल से फरमा बरदारी को साबित करेगा। जा जाबिर वल्लाहे मा युतकर्रबु इल्लाहे तबारक व तआला इल्ला बित्तौअतिही व मा मआना बराअतुम मिनल नार। इमाम फरमाते हैं जाबिर, अब यहाँ एक और हमारे यहाँ कन्फ्यूजन है कि अहले बैत हमें बचा लेंगे, तो अब अहले बैत का अपना इमाम बाकिर का मयार चाहिए। इमाम फरमाते हैं कि जाबिर कोई खुदा का मुकर्रब नहीं बन सकता मगर इताअत खुदा के बगैर, खुदा की फरमा बरदारी किए बगैर, खुदा का हुक्म माने बगैर कोई खुदा का मुकर्रब नहीं बन सकता। और ए जाबिर याद रखना, हमारे साथ होना, हमारे साथ ताल्लुक होना, अगर तुमने अमल ना किया और खुदा की फरमा बरदारी ना की तो हमारे साथ ताल्लुक होना तुम्हें जहन्नम से निजात नहीं देगा। ये इमाम कह रहे हैं, अगर तुम अल्लाह के फरमा बरदार ना हुए तो हमारे साथ होना तुम्हें जहन्नम से निजात नहीं देगा। जिन्हें हदीस चाहिए हो बाद में ले सकते हैं मुझसे, अरबी और तर्जमा दोनों। उसके बाद इमाम कहते हैं, इमाम फरमाते हैं कि जाबिर वमा अल्लाह अहदिन मिन हुज्जतिन मन कान अल्लाह मुतियन फहुवा लना वलियन व मन कान अल्लाह आसियन फहुवा लना अदुवन। ए जाबिर याद रखो, जो हमारे साथ ताल्लुक़ रखता है मगर अल्लाह की इताअत नहीं करता तो हमारे साथ ताल्लुक़ अल्लाह के मुकाबले में हुज्जत नहीं बनेगा, दलील नहीं बनेगा कि हमसे ताल्लुक़ है तो इसलिए बच जाएगा जहन्नम से। ना ए जाबिर, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमें आज तक हमेशा वो जो पेन किलर्स दी गई, पेन किलर होती है ना वो गोली जो दर्द ख़त्म नहीं करती मगर एहसास ख़त्म करती है दर्द का, हमें भी मेंबर से जो गोलियाँ आज तक दी गई कि आपकी बचत हो जाएगी, हमें बाकिर कहते हैं ना ऐसा नहीं होगा, हम अल्लाह के मुकाबले में दलील नहीं बनेंगे तुम्हारे लिए, तुम जो हरकतें करते रहो और उसके मुकाबले हम आ जाए कि नहीं हमसे ताल्लुक़ रखता है छोड़ दिया जाए, हम जहन्नम से तुम्हें दूर नहीं करेंगे ना करवाएंगे अगर तुमने अल्लाह की फरमा बरदारी ना की। क्योंकि अल्लाह की फरमा बरदारी करना, देखिए मोमिन ऐसा फरमा बरदारी नहीं करता वो कुछ नहीं करता, जो अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करता वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह की फरमा बरदारी ना करना नाफरमानी है, इसके लिए बाकायदा गुनाह करना ज़रूरी नहीं है कि आप बाकायदा नाउज़ुबिल्लाह कोई जाए और कोई गुनाह अंजाम दे, फरमा बरदारी तर्क कर देना ही नाफरमानी शुमार होता है। इमाम फरमाते हैं जाबिर, ये जुमला जो अभी मैंने जिसका तर्जमा करने जा रहा हूँ, इमाम फरमाते हैं फहुवा लना वलियन व मन काना लिल्लाह आसियन फहुवा लना अदुवन। ए जाबिर इसमें कोई शक नहीं कि जो अल्लाह का फरमा बरदार है वो हमारा दोस्त है। इमाम फरमा रहे काना, इसमें कोई तरद्दुद मत करना, कंफ्यूज मत होना, जो अल्लाह का फरमा बरदार है वो हमारा दोस्त है और जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारा दुश्मन है। ये इमाम के अल्फाज हैं, ये इमाम के अल्फाज हैं। इमाम कहते हैं जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारा दुश्मन है। वमन कान लिल्लाह आसियन फहुवा लना अदुवन, जो अल्लाह का नाफरमान है वो हमारा दुश्मन है, चाहे दावा हमसे मोहब्बत का करता हो। क्योंकि बात गैरों की नहीं हो रही, बात शियों की हो रही है जिनका दावा है इंतहाल व तशय्यो। उसके बाद इमाम फरमाते हैं वमा तनालु विलायतुना इल्ला बिल अमले वल वरा। ये हदीस लिख के हर एक को अपने घर में लगा लेनी चाहिए इमाम की। इमाम फरमाते हैं जाबिर याद रखना एक बात को कि अगर हमारी विलायत को पाना चाहते हो, हमारी विलायत हासिल करना चाहते हो तो उसका एक ही जरिया है, एक तरीका है सिर्फ, और वो क्या है बिल अमल वल वरा, सिर्फ अमल और परहेजगारी वरा और तकवा के ज़रिए, खुदा की फरमा बरदारी के ज़रिए
और अमल साले के ज़रिए तुम हमारी विलायत को पा सकते हो। उसके बगैर तुम्हें जितने दावे करो, तुम्हें जो मर्जी आकर बंदा कहता रहे कि तुम विलायत वाले हो, तुम विलायत वाले हो, तुम विलायत रखते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम हमारी विलायत तक नहीं पहुंच सकते, वो किसी और की विलायत होगी। वो कोई रॉन्ग मेंबर हो सकता है मगर विलायत नहीं हो सकती। विलायत तक पहुंचना चाहते हो, ला तनालु विलायतना इल्ला बिल अमल वल वरा, सिर्फ अमल और वरा के जरिए। ये मयार है इमाम का। अब इस मयार को, ये मखलूक तो हमें बहरहाल अभी तक नज़र नहीं आई, ना खुद और ना कहीं और नज़र आई कि मुकम्मल तौर पर इन चीज़ों को अहाता करे। जाबिर को भी नहीं मिली थी, आज तक हमें भी नहीं मिली। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये मखलूक कहीं नहीं है तो ये मखलूक हो नहीं सकती, हम ये बन सकते हैं। ये हदीस सुनाने का मकसद ये है कि हम अगर ये दावा करते हैं, ये हदीस दूसरों पर फिट नहीं कर रही। जो हमारे यहाँ एक मसला है ना बहुत बड़ा, कि जो भी मुजम्मती चीज़ सुनते हैं फौरन किसी दूसरे पर फिट कर देते हैं। दूसरों के लिए भी है जो तशय्यों का दावा रखते हैं मगर उनमें ये सब नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम खुद। हम अगर अभी तक इंतहाल भी तशय्यो कर रहे थे, तशय्यो का ऐसा दावा जो दावा हो और बुनियाद ना हो, तो हम इस नायाब मखलूक को दुनिया में जाहिर कर सकते हैं अपने वजूद के जरिए। 100% ना सही, 1% से शुरू करें, 1% से, 1% से काम शुरू करें, एक एक सिफ्ट पर काम शुरू करें। ज़्यादा नहीं हो सकता, मुश्किल है, इसका आसान तरीका ये कि एक सिफ्ट लें और उस पर काम शुरू करें अपनी ज़िंदगी में। ग्रेजुअली जब हम काम करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, हम आहिस्ता आहिस्ता उन सिफात को पा लेते हैं। ये काम करना है हमें, इमाम का मतलूबा शिया बनना। क्योंकि अगर इमाम के मतलूबा शिया ना हो तो होता क्या है। ये इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, कौन से इमाम, ये वो इमाम है मोमिनीन किराम जिन्होंने 4 साल की उम्र में करबला देखी है। करबला में इमाम बाकिर मौजूद हैं। 4 साल की उम्र में इमाम बाकिर ने करबला देखी और इमाम फरमाते हैं कि मुझे वो सब याद है जो करबला में हुआ, जो कूफा में हुआ और जो शाम में हुआ। इमाम के अपने अल्फाज हैं कि मुझे सब याद है, मैंने 4 साल की उम्र में देखी। क्यों 4 साल की उम्र में देखने के बावजूद ये मुमकिन है कि 4 साल का बच्चा शऊर से उस सारी चीज की मारिफत हासिल कर ले। कुरान ने इसकी गवाही दी है कि अगर अल्लाह चाहे तो बच्चों को भी वो शऊर दे देता है बचपने में जो अक्सर बुजुर्गी की हालत में भी पहुंचकर आलिम व फाजिल होकर भी हासिल नहीं कर सकते। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा ने बचपन में महद में पंगूरे में वो शऊर दिया था जो लोगों को नहीं मिलता, बुजुर्गी में भी जाकर नहीं मिलता। इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन को 7 साल की उम्र में अल्लाह ने वो शऊर दिया कि जब अक्सरियत बुजुर्ग रसूलल्लाह के मुखालिफ थे, अमीरुल मोमिनीन ईमान लाए। इसी तरह इमाम बाकिर 4 साल के थे अगरचे करबला में, मगर इमाम को अल्लाह ने वो शऊर दिया कि इमाम कहते हैं मुझे एक एक लम्हा याद है। इमाम ने सब देखा। ये इमाम, इस इमाम को समझना ज़रूरी है क्योंकि इस इमाम के मतलूबा शिया क्यों इमाम ने इतनी सख्ती से कहा ऐसा 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 वो तो शिया वरना नहीं है, क्योंकि इमाम ने तारीख में सब कुछ देखा है। इसीलिए ये इमाम इतने गमज़दा हैं कि क्योंकि इमाम को मिले बहुत, ऐसा नहीं कि इमाम को बंदे कम मिले, नफरी बहुत मिली इमाम को, लेकिन इस इमाम को वो नहीं मिले जो इमाम चाहते थे। और इसी वजह से इमाम की हदीस है, चूँकि उसका गलत इस्तेमाल होता है और फिर होगा, तो इसलिए मैं उसे भी बयान कर ही दूँ। मुख्तसर हदीस है कि इमाम फरमाते हैं कि ईद के दिन, इमाम बाकिर फरमाते हैं ईद के दिन हम अहले बैत का गम ताज़ा हो जाता है। ये इतने से जुमले को लेकर लोग ईद के दिन क्या करते हैं आपको पता है, ठीक है, ईद के दिन ईदुल फितर पे भी ईदुल अजहा पे भी, लेकिन रिवायत इतनी सी नहीं है। इमाम
ने जब कहा कि ईद के दिन हमारा गम ताज़ा हो जाता है, तो रावी ने कहा मौला क्या करबला का शहादा का गम? तो इमाम ने फरमाया ना, वो गम तो हम भूलते ही नहीं। फरमाया फिर कौन, साहिल ने पूछा कि फरजंदे रसूल फिर कौन सा गम है? तो इमाम फरमाते हैं ईद के दिन को अल्लाह ताला ने इमाम मुस्लिमीन का दिन बनाया। इमाम मुस्लिमीन यानी हाकिम मुस्लिमीन, हुक्मरान मुसलमानों का, जो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हो। कहा ईद का दिन अल्लाह ताला ने इमाम मुस्लिमीन की तरफ के लिए बनाया, लेकिन ईद के दिन हम मसनद हुकूमत पे ताहूत को, गैरों को बैठा हुआ देखते हैं, तो इस दिन हमारा गम ताज़ा हो जाता है कि हमारी विलायत अभी तक हासिल नहीं हुई, अभी तक हुकूमत इस्लामी का ख्वाब पूरा नहीं हुआ और हमारे हक जो था उस पर कोई ताबूत बैठा है। ये गम है इमाम का जो हर ईद पर ताज़ा होता है, और इस ईद उल फितर पे इमाम ज़माना का ये गम फिर ताज़ा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इमाम ज़माना का ये गम फिर ताज़ा होगा। जब इमाम का ये गम ताज़ा होगा तो हमें क्या करना चाहिए? जाके हल्का लगा के मातम कर लें? या इमाम का गम जिस वजह से, जो वजह है इमाम के गम की, उसको बरतरफ करें? आपके पाँव में लग जाए कांटा या कांच तो आप क्या करते हैं? बैठ के सिर्फ रोएंगे? बच्चा हो तो सिर्फ रोएगा, लेकिन बाशऊर आदमी क्या करेगा? अपना पाँव लेगा या डॉक्टर के पास जाएगा या किसी से कहेगा कि ये जिस वजह से मुझे तकलीफ है ये वजह निकालो मेरे पाँव से? सबसे पहले ये काम करेगा। बच्चा रो भी रहा होगा उसे कहूँगा खामोश हो जाओ बेटा, और पहले वो निकालेगा। इमाम का गम ईद के दिन ताज़ा होता है, जिस वजह से होता है उस वजह को बरतरफ करना है, उस सिम तरकत करनी है। इस मुल्क के लिए भी खुदा ने विलायत का निज़ाम रखा है, इस मुल्क का भी सियासी निज़ाम इमामत और विलायत अल्लाह ने मुकर्रर किया है, हर सरजमीन का मुकर्रर किया है। लेकिन जब तक ये हासिल नहीं होता उस वक्त तक इमाम ज़मान रो रहे हैं, इमाम ज़मान के दिल शिकस्ता है, इमाम दुखी हैं, हर दिन दुखी हैं, खुसूसन ईद के दिन दुखी हैं। ये हल नहीं है कि ईद के दिन जाकर हल्के लगा के मातम कर लिया जाए, हल ये कि विलायत की सिम हरकत की जाए, ताबूत का इनकार किया जाए, ताबूत से बेजारी इख्तियार की जाए। और ये जितने मुंतहलीन तशय्यो हैं, जो तशय्यो होने का दावा रखते हैं लेकिन हदीस आपने सुन लिए, तकरार नहीं कर, उनमें उनसे अलग हुआ जाए, अगर हम खुद भी खुदा ना खास्ता शामिल हैं तो उनसे निकलने के लिए कदम बढ़ाएं, एक एक कदम शुरू करें हल्कर। और जो दूसरे मुंतहलीन हैं उनमें से जो हिदायत पा सकता है उसकी हिदायत की कोशिश करें, जो नहीं पा सकता उनसे अलग हो जाएं। ला तज़हबन्नल मज़ाहिब, इमाम के अल्फाज हैं, ये तरह तरह के रास्ते जो शिया के नाम पर हैं ये तुम्हें गुमराह ना कर दें, इमाम के मेरिट पर आए। क्योंकि जब तक ना हो जाए काम, जब तक शियत आइम्मा के मेरिट पर नहीं आएगी, तब तक आइम्मा का गम हर ईद के दिन भी ताज़ा होगा और हर उस दिन भी ताज़ा होगा जो ईद नहीं है, कोई भी दिन, यानी हर वक्त ताज़ा रहेगा। कौन सा गम? वो गम जो इमाम बाकिर बयान कर रहे हैं कि इमाम फरमाते हैं कि हम ताबूत को मसनद हुकूमत पे देखते हैं। आज हम देखते हैं ना, आज हम वीडियोस में देखते हैं, आज हम टीवी में देखते हैं, आज हम अखबारों में देखते हैं, क्या लिखा होता है, वजीर आज़म पाकिस्तान। मसलन हिंदुस्तान वाले देखते हैं वजीर आज़म हिंदुस्तान, और दीगर सरजमीनों पे सारे अपने हुक्मरानों को देखते हैं कि ये मसलन फलां सरजमीन का फलां सदर, वजीर आज़म या जो भी हुक्मरानी का अहदा उनके पास है, उसका ये बयान आया। और हम भी देखते हैं और देखकर मुतमैन होते हैं। इमाम कह रहे हैं हमारे दिल में गम भर जाता है इस मंजर को देखकर, और हम मुतमैन हैं। इमाम कहते हैं हमारा दिल गमजदा हो जाता है जब हम मसनद हुकूमत पे देखते हैं, और हम उस नाम को पढ़कर वीडियो देखकर मुतमैन हैं कि आज ये हमारे फलां का, वो किसी भी सरजमीन को ये बयान है। इमाम के लिए गम का बायस है। कम अज़ कम ये काम तो कर सकते हैं ना कि अपने गम को इमाम के गम से मैच करें।
कम से कम ये काम तो हम कर सकते हैं, वरना क्या फ़ायदा। इमाम खुद फरमा रहे हैं ना कि कोई फ़ायदा नहीं देगी ना वो मोहब्बत अली, ना वो आज़ादारियाँ, ना वो बाकी चीज़ें, जिनका रुख सीधा ना हो। तेरे रुख पर की हुई आज़ादारियाँ, तेरी मोहब्बतें, तेरे दावे, तेरे गम, तेरी ताज़ियतें, तेरे पुरसे क्या काम पहुँचाएंगे, वो किसी तेरे रास्ते पर ले जाएंगे। रास्ता तो सीधा करें। आइम्मा ने ये सब कुछ किया किस लिए किया? ताकि खुदा की ज़मीन पर इमामत का निज़ाम कायम हो, हुकूमत इस्लामी कायम हो, विलायत व इमामत बतौर निज़ाम सियासी नाफिज हो। आइम्मा ने इसलिए किया। जी आइम्मा का गम है, जी आइम्मा का गम है। और इसीलिए करबला को तहरीक में बदला, करबला को तहरीक में बदला। और इस तहरीक में जो आइम्मा ने बदला तमाम इमामों ने करबला के बाद, उसमें सबसे अहम किरदार इमाम सज्जाद, तो क्योंकि खुद मेन शख्सियत हैं जिन्होंने उसके बाद उस विरासत को बचाकर उम्मत में काम शुरू किया, आगाज किया, वापस ज़ीरो से काम शुरू किया। क्योंकि हदीस है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक की हदीस है करबला के बारे में, इमाम सज्जाद के ज़माने के बारे में, कि इर्तदन नासा बादल हुसैन इल्ला सलासा, कि करबला के बाद तीन लोगों के अलावा सब हम अहले बैत को छोड़कर चले गए। इर्तदन नास, सब छोड़कर चले गए, इर्तदाद कर लिया हमसे तीन लोगों के अलावा। फिर इमाम ने फरमाया कि सुम्मा लहिक व कसर, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता हमसे मुलहिक हुए और फिर हमारे पैरोकारों की तादाद में कुछ इजाफा होने लगा। ये कैसे हुआ? ये जो सुम्मा लहिक वाले, ये इमाम सज्जाद के ज़माने में इस पर काम हुआ। लेकिन आज़ादारी को तहरीक में किसने बदला? इमाम बाकर ने। इमाम बाकर ने प्रॉपरली, इमाम की वसीयत है बाकायदा। इमाम सादिक फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा की शहादत का वक्त आया तो बाबा ने मुझे आकर वसीयतें करना शुरू की इमामत की। उनमें से एक वसीयत ये थी, इमाम ने कहा ये दो थैलियाँ सोने के सिक्कों की, दीनारों की, इनमें से एक इमामत का माल है, उसे जहाँ खर्च करना है वहीं खर्च करना है, एक मेरा माल है, ये माल ले लो और इससे हर साल हज के मौके पर मैदान मिना में, जहाँ हाजी कुर्बानी करते हैं अरफा के दिन नौ ज़िलहज्जा, मैदान मिना में तुमने वहाँ पर आज़ादारी करवानी है, खुद वहाँ जाना है अपने बेटे को इमाम सादिक को कहा कि आपने खुद जाना है और जाकर क्या करना है, आज़ादारी करवानी है। और इमाम सादिक ने किया। ये क्यों था? मिना में हज के मौके पर, क्योंकि हज उम्मत के इज्तमा की जगह है, जो कुछ हज पर होगा वो पूरी दुनिया में फैलेगा। इमाम ने करबला को क्या बनाया? तहरीक में बदला। आज़ादारी को तहरीकी अंदाज दिया, इनकलाबी अंदाज इमाम ने। ये इमाम ने क्यों किया? क्योंकि हदफ वही है जो इमाम हुसैन का हदफ है, कि यजीद किसी सूरत कबूल नहीं हो सकता, यजीदियत कबूल नहीं कर सकते हम, किसी भी आलम में नहीं कर सकते। इसलिए इमाम बाकर ने करबला को तहरीक बनाया और फिर सारे आइम्मा ने उसमें उस तहरीक को आगे बढ़ाया। लेकिन आज वही जो इमाम बाकर ने तहरीक बनाया था, इनकलाब की तहरीक, आज़ादारी को, आज़ादारी यानी इस्लामी इनकलाब की तहरीक, आज उसी आज़ादारी का क्या असर हो गया? आज वही आज़ादारी इनकलाब दुश्मन बन चुकी है, बनाई जा रही है। यानी रूह इनकलाब निकालने के लिए, फिक्र इनकलाब निकालने के लिए, राय इनकलाब निकालने के लिए इसी आज़ादारी को बना लिया हथियार। अब ये जहाँ पर इमाम के इतने दुख, इमाम कहते हैं ईद के दिन हमारा गम ताज़ा हो जाता है, इमाम बाकी सारे अपने दुख बयान करते हैं, और साथ में इमाम ने एक मकतब बनाया, अपने शागिर्द बनाने शुरू किए, सब क्यों किया? क्योंकि इमाम ने एक चीज़ देखी थी मोमिनीन, और वो ये था कि इमाम ने इमाम हुसैन के ज़माने से करबला में एक चीज़ देखी कि उम्मत अपने इमाम से हमेशा ला ताल्लुक रहती है। उम्मतों की ला ताल्लुकी इतनी दर्दनाक होती है, इमाम बाकर गवाह इस बात के कि अगर उम्मत ला ताल्लुक हो जाए, अगर शिया तैयार ना हो, तो नतीजा ये निकलता है कि फातिमा का बेटा करबला में बेगुरु कफन
उसका लाशा पड़ा रहता है। नतीजा ये निकलता है कि हुसैन इब्ने अली की लाश पायमाल कर दी जाती है। इमाम बाकिर कहते हैं मैंने अपनी आंखों से बात देखी कि मेरे जद्दे बुजुर्गवार को शिम्र किस तरह से शहीद कर रहा है। इमाम बाकिर का दिल कितना गमजदा होगा। ये इमाम बाकिर 4 साल की उम्र में करबला से कूफा जाते हैं, कूफा से शाम जाते हैं, वो सारे मसाइल इमाम बाकिर अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह अली की बेटियों की चादरें छीनी गई, किस तरह अली की बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई, किस तरह अली की बेटियों को बाजारों और दरबारों में फिराया गया। इमाम बाकिर ने अपनी आंखों से ये बात देखी अदादारों कि इमाम बाकिर इमाम सज्जाद ने किस तरह से अपनी 4 साल की मासूम बहन को शाम में बगैर गुस्ल कफन के दफन किया। इमाम बाकिर अपने बाबा के साथ मिलकर अपने मासूम मासूम हाथों से अपने छोटी सी अपनी 4 साल की पुप्पी की तदफीन करते हैं। ये सब इमाम देख रहे हैं और इमाम यही कहते हैं कि ऐ लोगों, चूंकि तुम तैयार नहीं हो इसलिए ये जुल्म हो रहे हैं। और इमाम की यही पर हसरत है कि काश लोग तैयार हो जाएं, काश उम्मत तैयार हो जाए। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम अज़्ज़ालिमीन वसय्यालम अल्लज़ीना ज़लमू मिन क़ब्लिहिम मातरम हुसैन।